जी क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम रजत है। कहाँ रहते हैं? मैं मदराखेल शाहजहाँपुर यूपी उत्तर प्रदेश में रहता हूँ। ये घटना कहाँ पर हुई है? ये घटना हुई है आवास विकास कॉलोनी, जहाँ पर हम लोग नव वर्ष की प्रार्थना में शामिल थे। तो अचानक से पता नहीं कहाँ से लोग आ गए, 10-20 लोग आ गए, और वो अचानक से तोड़फाड़ स्टार्ट। जितनी कुर्सियाँ थी सब उन्होंने हमारे ऊपर ही तोड़कर मारा। हमें ये भी नहीं बताया कि वो किस लिए हमको मार रहे हैं। और हमारी जितनी महिलाओं को था, बहन थी, छोटे छोटे बच्चे थे, उनको भी कुर्सियों से मारा। किसी किसी के देखिए इनका हाथ भी फ्रैक्चर हो चुका है कि इतना जोर से कुर्सी मारा। काफी 3 दिन से ये ऊपर नहीं उठ रहा है, ऐसे ही 3 दिन से मैं लिए घूम रही हूँ उसे। 3 दिन के बाद अब बहुत दर्द हो रहा है इसमें, मतलब लेट भी नहीं पा रही बिल्कुल, इतना दर्द हो रहा है, बता नहीं सकती। अच्छा क्या आप लोग बताइए कि आपको क्या लालच दिया गया यहाँ पर? कोई लालच नहीं, हम अपनी मर्जी से आते हैं, हमारा जीवन अच्छा चल रहा है इसीलिए बस। अच्छा वहाँ पर क्या कर रहे थे भाई? जी हम लोग परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, सत्संग में बैठे हुए थे, तो अचानक से उन्होंने शटर बंद किया और ना हमसे पूछा भैया यहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सीधा मारने लगे। फिर वो जो हमारे पड़ोस के मकान मालिक थे उन्होंने शटर उठाया, तब हमारी बहनों भाइयों को सबको निकाला और हम लोगों को घसीटते हुए वो ले गए। बुरी तरीके से व्यवहार करते हमारी बहनों साथ भी, बड़ी बदतमीजी से बात की उन्होंने, बड़े अलग अलग शब्द उन्हें इस्तेमाल किए और हमारी बहनों भाई बहनों और बेटियों पर भी हाथ उठाए। हाँ बहुत मारा, छोटे छोटे बच्चों को भी मारा है, इतना मारा कि वो बहुत रो रहे हैं, कुर्सियाँ उठा उठा के मारी है, मेज स्टूल, एक भाई के मारा सर पे चोट काफ़ी आई है। हम सब भाई लोग प्रार्थना कर रहे थे वहाँ बैठे भाई बहने, बहुत काफ़ी लोगों ने हंगामा किया, पुलिस से मदद मांगी, पुलिस ने मदद भी नहीं की, हम लोग चौकी भी गए, रो रहे थे, किसी ने हमारी मदद नहीं की। अच्छा ये घटना किस किस के किसने करी है यहाँ पे आप लोगों के साथ? ये घटना जो वहाँ का मैन था राजेश अवस्थी, जो नेता थे वहाँ का, उन्होंने कहा हम कट्टर हिंदू हैं और तुम्हें घसीट कर ले गए, हमको बजरंग दल के हैं, टीम हमारे बजरंग दल की है, तुम्हें हम नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें जान से मार डालेंगे। अरे धमकी करते हुए हमको घसीटते हुए ले गए, जबकि और हमारे जूते भी नहीं थे, वहीं छूट के जूते भी नंगे पैर हमको घसीटते हुए ले गए। वहाँ पर चीता दो पुलिस गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, वो उनके सामने हम लोग को मार रहे थे और कह रहे थे जय श्री राम के नारे लगाओ वरना तुम्हें आज यहीं मार डालेंगे, यीशु मसीह को गालियाँ दो वरना तुम्हें आज नहीं जिंदा छोड़ेंगे, कहता हाथ पैर तोड़ डालेंगे हम आज यहीं पर। फिर हम उन्हें मुर्गा बनाया और मुर्गा बना के खूब मारा हम लोगों को, पर हम लोगों ने ये नहीं नारे लगाए तो फिर पुलिस को बुलाया गया। फिर वहाँ पुलिस एक तैनात जो वहाँ के पुलिस थे, तो उन्हें उनका नाम था जितेंद्र प्रताप सिंह, उन्होंने भी नहीं पूछा हम लोगों से क्या किस मैटर पे ये लोग आपको मार रहे हैं, किस मैटर पे आपको मार रहे हैं। फिर उन्होंने डंडे से स्टार्ट किया, मारना चालू किया और घसीटते हुए हैं वो भी हम लोग को ले गए। और अनाप शनाप हमारी महिलाएं जो वहाँ पर खड़ी हुई थी बहनें, उन्होंने भी कहा गालियों देकर कहा तुम्हें भी जेल में सड़ा दूंगा अगर तुमने यहाँ पर खड़े हुए भी, यहाँ पर दिख गई हमें, तुम्हें भी बहुत मारूंगा मैं, उनका भी हाथ उठाने की कोशिश की गई है। और हम लोगों को फिर जेल में ले जाया गया, फिर हम लोगों को अनाप शनाप से गालियों से बका गया है, कहा ईसा कौन है और मोहम्मद कौन है हम तुम्हें बताते हैं, जिसे तुम नहीं समझते हो, तुम यीशु मसीह को मानना पता ही नहीं तुम्हें कौन है यीशु मसीह, हम समझाते हैं। जो जितेंद्र प्रताप सिंह थे वहाँ के तैनात पुलिसकर्मी, उन्होंने हमसे ये कहा कि ईसा और मोहम्मद एक हरामी इंसान थे जो हिंदुओं के घरों पर भीख मांगना करते थे। तो हमने कहा ये क्या आप शब्द बोल रहे हैं, ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। तो कहा तू चुप जाओ तो डंडे से इतना मारूंगा तू अपने घर का पता भूल जाएगा, ऐसे ऐसे हमारे साथ घटना की। आप वहाँ पर प्रार्थना के लिए क्यों जा रहे हैं, क्या क्या लाभ हो रहा है आपको? हम लोग प्रार्थना इसलिए गए थे कि हमारे परिवार में मम्मी थी वो काफ़ी बीमार रहती थी और उनको दुष्ट आत्माओं की परेशानियाँ थी। हम लोग हर मजार, हर जगह मंदिर, हर हॉस्पिटल तक, वहाँ हर जगह हम लोग गए, मगर कोई भी आराम और कोई दिक्कत, कोई फ़ायदा नहीं मिला। हम लोग इतने कर्ज में डूब गए थे, हमारा घर भी के खाना तक हमको नसीब सही से नहीं होता था। फिर हम लोगों ने सुना कि वहाँ प्रभु यीशु मसीह का सत्संग चलता है, तो हम लोग उस सत्संग में शामिल हुए और परमेश्वर से चंगाई उन्होंने दी और हम आज अच्छा जीवन जी रहे हैं। और जो हमारे पिताजी थे वो भी काफ़ी दारू पिया करते थे और वो मार तोड़ किया करते थे, हम लोग घर में खाना बनने होता था तो वो खाना फेंक दिया करते थे कि हम लोग को खाना भी ना नसीब हो। और फिर हमारे साथ परमेश्वर ने चमत्कार किया, वो भी परमेश्वर में ऐसे छुटकारा दिया, ना वो दारू पीते हैं ना कुछ करते हैं, हमारा परिवार बहुत अच्छा चल रहा है। एक मिनट, क्या ईसाई धर्म ने कोई लालच दिया है आप लोगों को? क्या कोई लालच नहीं दिया गया है? हम लोग अपनी मर्जी से आते हैं। क्या आपका क्या आपका धर्म परिवर्तन करा है? नहीं, मेरा कोई धर्म परिवर्तन नहीं, हम यीशु मसीह आस्था रखते हैं, बस विश्वास करते हैं। क्या कोई रुपया दिया गया है आपको? नहीं, ठीक है, बस यीशु मसीह ने हमारा मन बदला है, धर्म नहीं बदला है हमारा।